नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटाघर से मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव के साथ साथ स्वच्छ विरासत अभियान का भी शुभारंभ किया है। पतंग महोत्सव के आयोजन में पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी की फोटो लगी पतंग उड़ाकर महोत्सव की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने किया है। इस पतंग महोत्सव में कई बड़े पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। राज मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नागरी उत्तर प्रदेश नेहा शर्मा ने बताया कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों में उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित हो सके, इसके लिए सभी ऐतिहासिक स्थल के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नेहा शर्मा ने बताया कि स्वच्छ विरासत अभियान में 21 जनवरी को होने वाली रन फॉर G20 को शामिल किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज लखनऊ में चौक के पास घंटाघर है, यहाँ पे घंटाघर पे पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में यहाँ पर पूरी तरीके से पतंगबाजी का एक लुत्फ उठाया जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर कहीं ना कहीं पतंगबाजी का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। एक जमघट का भी ऐसा समय होता है जब पतंगबाजी का एक लखनऊ में नज़ारा देखने को मिलता है। उसी तरह लखनऊ में भी चौक चौराहे पर ये घंटाघर बना हुआ है। घंटाघर पर आज यहाँ पर पतंग महोत्सव का आयोजन नगर निगम की तरफ से किया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी पतंगबाजी कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे कैसे पतंग का लुत्फ कैसे उठा रहे हैं। बेटा, आप पतंग उड़ाने आए हो यहाँ पे? हाँ। कौन से कलर का पतंग आप उड़ा रहे हो? पर्पल कलर का। पतंग बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो पतंग आज उड़ाना, इसके पहले भी उड़ाया पतंग? आज पहली बार उड़ाया। पहली बार उड़ाया। पतंग काटा आपने किसी पतंग को अभी तक? नहीं, अभी नहीं काटता। नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पतंगबाजी कर रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। फिलहाल लखनऊ में जिस तरीके से स्वच्छता को लेकर के कहीं ना कहीं ये आगाज़ किया गया है, आज स्वच्छता अभियान को लेकर के पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का आयोजन आज यहाँ किया गया, जो दो रंग दिखाए गए हैं पतंग के, क्या संदेश दे रहे हैं? हमने इनको स्वच्छता को मनोरंजन से जोड़ने का काम किया है। नगर निगम के द्वारा एक आयोजन किया गया है। संक्रांति का दिवस है और इस दिवस पर अपनी पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने का भी काम किया गया और लोगों को एक मनोरंजन के साथ साथ स्वच्छता को जोड़ने का काम किया गया है। इसमें हम अपने शहर को स्वच्छ रखें। हमारे यहाँ बाहर से हमारी अतिथि देवों की परम्परा रही है, उस परम्परा को हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को निभाते हुए हमारे शहर में लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके स्वागत के आवभगत के लिए नगर हम पूरी तरह से तैयार हैं और उसको स्वच्छता स्वच्छ रहने के साथ साथ इस प्रकार के सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि आने वाले लोगों को यहाँ असुविधा ना हो और लखनऊ देखने में सुंदर लगे। इसमें सबकी सहभागिता रहे, इसलिए लोगों को जोड़ने का साथ में प्रयास किया गया ताकि शहर के लोग हम रात में डिवाइडर पेंट कराएं तो नीचे सवेरे उस पर चित्रकारी ना कर दें, कूड़ा अगर उठा लिया जाए तो कूड़ा ना डालें। इस प्रकार का एक अभियान चलाया गया जिससे लोगों को जागरूकता उससे जागरूक हो और उस जागरूकता के साथ साथ मनोरंजन को जोड़कर आज यहाँ ये प्रोग्राम रखा गया है। मुझे लगता है कि यहाँ शहरवासी इसमें जुड़ेंगे और मनोरंजन भी करेंगे और साथ साथ शहर को सुंदर बनाने में अपनी सहभागिता भी निभाएंगे। अभी स्वच्छ विरासत अभियान भी एक चलाया जा रहा है, अभी स्वच्छता को लेकर के ही चलाया जा रहा है। ये जो विरासत अभियान चलाया जा रहा है 75 जिलों में 75 विरासत ये दिखाए जा रहे हैं, तो कौन कौन से ये 75 विरासत होंगे, क्या जानकारी? हमारे सारे हर जिले में, हमारे 75 जिले, 75 जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं और लगातार ये 10 दिन का कार्यक्रम है। आज पतंगबाजी का कार्यक्रम, आज पतंग महोत्सव मनाया गया है, उसके बाद इस एक मैराथन भी रखा गया और एक हमारा जो उत्तर प्रदेश दिवस होता है उस दिन गौ पूजा का भी कार्यक्रम रखा गया। इस प्रकार के लगातार कार्यक्रम रखे गए ताकि जनता की सहभागिता उसमें बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं ये स्वच्छता को लेकर के ही पूरा अभियान चला जा रहा है। हमारे साथ बात कर रही थी लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लखनऊ को स्वच्छ करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, जो भी सार्थक कदम हो उनको उठाया जाएगा और फिलहाल लखनऊ को स्वच्छ बनाया जाएगा। आज यहाँ पर पतंग महोत्सव हुआ, पतंग महोत्सव हमारे साथ स्थानीय निदेशक डायरेक्टर मैम नेहा जी हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह का लखनऊ यहाँ पे पतंग महोत्सव किया। देखिए, ये स्वच्छ विरासत अभियान जो है आज लखनऊ के चौक एरिया से इसको शुरू किया गया है और विरासत जब बात होती है तो लखनऊ का चौक एरिया जो है वहाँ पर अपनी धरोहरें जो हैं वो बहुत एनरिचिंग हैं और इसमें आज एक पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ है और स्वच्छता की अलग का एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। बहुत तादाद में आप देख रहे हैं, जनभागीदारी भी इंश्योर हुई है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की ये पहल जो है इसको जनमानस के बीच में हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों के बीच पहुँचे और स्वच्छता का एक जो संदेश है वो हर कोई इसको अपने जीवन में आत्मसात करे।
हमारे साथ बात कर रहे थे डायरेक्टर स्थानीय निकाय के निदेशक नया शर्मा जी, उन्होंने बताया कि स्वच्छता को लेकर के आज पतंग महोत्सव का आगाज किया गया, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में अब ये स्वच्छता का संदेश जाएगा और अब ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से स्वच्छता का ये जो आगाज हुआ स्वच्छ भारत मिशन का और कहाँ तक जाता है। स्वच्छता अभियान को लेकर के आज लखनऊ के चौक में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया और यहाँ पर पतंग महोत्सव में दो रंग दिए गए, हरा और नीला। और हम जाने हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के नगर आयुक्त दिलजीत सिंह, हम उनसे बात करेंगे कि आज का जो पतंग महोत्सव कार्यक्रम है किस प्रकार देखते हैं इस कार्यक्रम। आज जो पतंग महोत्सव कार्यक्रम अभी किया गया ऑर्गेनाइज, ये जो हमारे निदेशालय द्वारा एक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया पूरे यूपी में, उसी का पार्ट है जो आज से शुरुआत हुआ है। इसको हमने स्वच्छ विरासत के साथ जोड़ा है, ये हमारा विरासत का एरिया है, इसको पूरा स्वच्छ कराया गया है। और इसके बाद जो 21 को हमारी मैराथन होगी जो G20 GIS के साथ लिंक की गई है हमारे द्वारा, और जो फिर 24 को यूपी दिवस पे हम लोग इसका समापन करेंगे। ये एक स्वच्छता को गुड से ग्रेटनेस की ले आने की तरफ हमारा प्रयास है और इसके दौरान हम लोग जो है लखनऊ को एक स्वच्छ और जो बाकी रोड्स हैं उसको क्लीन करना, रिपेयर करना, स्ट्रीट लाइट को करना और G20 के आने तक हम लोग एक बेहतर लखनऊ अपने अतिथियों को पेश करें, ये कार्यक्रम को स्टार्ट किया। सर, लगातार आप स्वच्छता को लेकर के पूरे लखनऊ में भ्रमण करते रहे हैं और जगह जगह जहां पर कूड़े का अंबार रहा उसको भी आपने अपने मौके पर पहुंच करके साफ सुथरा कराया, फिर भी कहीं ना कहीं अभी वो गंदगी का कुछ ना कुछ अंबार लखनऊ शहर में बना हुआ है, उसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है अभी? ये जो आपने अभी बताया कि बना हुआ ये सही है और हम लोग इस पर प्रयासरत हैं। इसमें हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी है उसके कुछ हमारे साथ इश्यूज थे, उसके द्वारा सर्विसेज को डाउन किया गया, उस पर लीगल एक्शन लिया गया। उम्मीद है आने वाले समय में एक उसको हम बेहतर जो सर्विसेज दे पाएंगे, उस पर वर्क चल रहा है और हमने और भी टीम को बढ़ा रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को लेके भी हमारी तरफ से ट्रेनिंग पे वर्क किया जा रहा है ताकि ये सारे इश्यूज़ को हम लोग रिजॉल्व कर पाएँ अगले 3-4 महीने। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है कि लखनऊ में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, अभी कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई है, वहां पर अभी इलेक्ट्रिक के पोल ही नहीं है और ना पर वहां व्यवस्था है, तो ऐसे कई कुर्सी रोड भी है, अलीगंज है और जानकीपुरम भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं होंगी नगर निगम की तरफ? ये जो एरिया आपने बताया इनमें से कुछ के टेंडर हो चुके हैं, कुछ के टेंडरिंग प्रोसेस में है, तो इनको कवर अप करेंगे पूरे के पूरे को, कवर अप करके फिर जो सारी लाइट को 100% हमें देना, ये हमारी कमिटमेंट है नगर निगम। हमारे साथ बात कर रहे थे लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लखनऊ को स्वच्छ बनाने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उनको सार्थक कदम उठाने का प्रयास किया जाएगा और मार्ग प्रकाश व्यवस्था पर जो भी चीज़ें की जाएंगी उनको लेकर के भी अगर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि टेंडर हो चुका है कई भी रोडों का और लखनऊ में मार्ग प्रकाश की व्यवस्थाएँ भी सुधरेंगी, कहीं ना कहीं लखनऊ की हालत भी सुधरती नजर आएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में साफ तौर पर यहाँ पर जो दो तरीके के पतंग उड़ाए जा रहे हैं वो हरा और नीला कलर का पतंग उड़ाया जा रहा है, उससे एक स्वच्छता को यहाँ पर महत्व देने का कार्य किया गया है। यहाँ पर कुछ और लोग भी पतंगबाजी कर रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की पतंगबाजी हो रही है और पूछते हैं कि क्या पतंग में किस तरह का आप ये जो जिस कलर का पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पर हरा और नीला पतंग उड़ाया जा रहा है तो क्या इसका महत्व है? अब ये हरा जो खिचड़ी है इसके लिए कलर यही है इनका, ग्रीन कलर और ग्रीन और ब्लू, उसी हिसाब से लड़ रही है और वैसे पतंग का जो शौक है इससे 3-4 चीज़ें ठीक होती हैं, एक तो सर्वाइकल दूर होता है, इससे एक्सरसाइज अच्छी होती है और दूसरे इसी पतंग से इश्क भी लड़ाया जाता है, लखनऊ में इश्क इसी से लड़ाया जाता है और उसमें कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे जब इश्क लड़ा लेते थे और ढा के कनकैया को कोठे पर बुला लेते थे और धड़कने सुनते थे हम डोर पर रखे हुए कान, बांध देती थी वो कन्नों में कभी खत कभी पान। तो ऐसे भी पतंगबाज आपको लखनऊ राजधानी लखनऊ में देखने को मिल जाएंगे जिनका इश्कबाजी से लेकर के भी एक अभी इन्होंने के शेर सुनाया और वो कहीं ना कहीं लखनऊ में पतंगबाजी को लेकर के बहुत प्रसिद्ध जगह रहा है और लगातार यहाँ पर पतंगबाजी होती आ रही। फिलहाल आज जो ये पतंग का महोत्सव यहाँ पे चल रहा है वो पतंग का महोत्सव स्वच्छता को लेकर के चलाया जा रहा है, हरे और नीले पतंग की उड़ान यहाँ पर भराई जा रही है, छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पर लोग मौजूद चौक के घंटाघर पर पतंग महोत्सव का आनंद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वच्छता को एक संदेश दे रहे हैं कि किसी तरीके से अपने प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रितेश श्रीवास्तव लखनऊ। फिलहाल हमारी मकर संक्रांति प्रस्तुति में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।